मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गिनती को लेकर कुछ गतिविधि करेंगे। देखिए गिनती को लेकर किस प्रकार गतिविधि करेंगे। मैं गिनती को इस प्रकार लिख रहा हूँ, देखें, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तीन तीन के समूह में मैं गिनती लिख रहा हूँ और मैं लास्ट में देख रहा हूँ, आखिरी में मेरे पास क्या रहा है, तीन, छ, नौ, बारह है। ये क्या है? जी हाँ, तीन के पहाड़ा है। ये तीन का पहाड़ा ही तो है, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन हो, तीन चौके बारह। क्योंकि मैं संख्याएं तीन तीन के समूह में ले रहा हूं और संख्याओं को यदि समान मात्रा के समूह में लिया जाता है तो वो किसी संख्या का पहाड़ा बन जाता है। या फिर इसको मैं गणितीय भाषा में यदि कहूं तो ये है तीन के गुणज आए हैं। क्या आए हैं? गुणज। आज हम गुणज के बारे में ही पढ़ेंगे। गुणज का मतलब होता है किसी संख्या या किन्हीं किसी अंक की बार बार जोड़। जैसे यहां पे मेरे पास पहले यदि तीन आया है तो यहां पे तीन जमा तीन से ये छह आया है, नौ तीन जमा तीन से आया है और बारह तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन से आया है। तीन का एक बार समूह लेंगे तो तीन, तीन के दो समूह लेंगे तो छह, तीन के तीन समूह लेंगे तो नौ, तीन के चार समूह लेंगे तो बारह संख्या हमारे पास आएंगी। समझ गए ना? अब इसको हम क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसे मल्टीपल कहते हैं। तो गुणज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, गणितीय नाम गुणज। और हम सीधा हम इसको पहाड़ों के रूप में भी ले सकते हैं। अब आगे क्या आप पांच के गुणज प्राप्त कर सकते हैं? पहले इसी विधि से पांच के गुणज प्राप्त करेंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, आगे भी ले सकते हैं, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस। ये रुपये पांच के गुणज हमारे पास आ रहे हैं, सारे पांच का पहाड़ा बन रहा है ना वहां पे। तो गुणज हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। या आपको यदि पहाड़े याद है तो पहाड़े ही हमारे पास गुणज होते हैं। और गुणज दस पे जाके नहीं रुकते। दस पे जाने का मतलब हम पहाड़ों को अमूमन पांच दहे पचास या तीन दहे तीस या सात दहे सत्तर तक ही याद करते हैं। वो याद करने के लिए कि जल्दी जल्दी हमें कैलकुलेशन में उसकी जरूरत पड़े। गुणज या पहाड़े तो कहीं तक भी जाते हैं। पांच बीस से, मतलब पांच को बीस से गुणा किया, पांच के यदि बीस डिग्री ली गई है तो सौ हो गया, वो भी तो सौ भी तो गुणज है पांच का, ठीक है। या फिर गुणज को हम जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं। जैसे मुझे चार के गुणज याद करने हैं तो चार का पहला गुणज चार, चार का दूसरा गुणज चार जमा चार आठ, चार का तीसरा गुणज चार जमा चार जमा चार बारह है, चार का चौथा गुणज चार जमा चार जमा चार जमा चार कितना हो गया, सोलह है। इस प्रकार भी हम गुणज किसी संख्या के ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणज आपको क्लियर हो गया है। अब ये तीस तक मैंने गिनती यहां पर ली है और यहां पर अब हम एक खेल खेलेंगे इन गिनतियों के साथ। मैं यहां पे तीन के गुणज यदि जो हमारे पास हैं उनके ऊपर गोल दायरा लगाऊंगा। आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी के ऊपर ये सारे लिख लीजिए, हम मिलके गोल दायरा लगाएंगे, ठीक है। आशा है आपने ये बना लिया होगा। आप गोल दायरा लगाते हैं, पहले एक दो तीन, हमें इसी प्रकार से लगाना है बेशक, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। तो गोल दायरे में ध्यान से देखें जो संख्याएं हमारे पास आई है, तीन, छह, नौ, बारह, पंद्रह, अठारह, इक्कीस, चौबीस, सत्ताईस, तीस, ये तीन के गुणज हैं, ठीक है। अब हम चार को लेके करते हैं। अब चार पे हमें गोल दायरा नहीं लगाना है क्योंकि गोल दायरा हमने किस पे लगा लिया, तीन पे लगा लिया, तीन वाले गुणजों पे लगा लिया। अब चार वालों के लिए हमें काट देंगे एक संख्या, कैसे काटेंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। आगे एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन
चार, फिर एक दो तीन चार, आगे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, काट दिया। ठीक है, अब जो कटे हुए हमारे पास संख्याएं हैं ये क्या है, ये चार के गुणज हैं, चार के गुणज लिख दिया। अच्छा, इनमें कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जिसमें गोल दायरा भी है और काटा भी गया है। ये देखिए, गोल दायरा भी है, काटा भी गया, 12 है, उसके बाद ये 24 है, गोल दायरा भी है और काटा भी गया है। अब ये 12 जो है वो तीन का भी गुणज है और चार का भी, तीन का भी गुणज है और चार का, दोनों संख्याओं का गुणज है 12 है। तो इसको हम तीन तीन और चार का सारव गुणज कहेंगे। सारव गुणज का मतलब होता है जिन संख्याओं के हम गुणज ज्ञात कर रहे हैं उन सब का गुणज, ये सारव गुणज हो गया। और 24 भी है, 24 भी तो सारव गुणज है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान देखा जाए कि तीन और चार के सारे सारव गुणज बताओ। सारे तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, संख्याएं तो बहुत आगे तक बढ़ती रहती है, लेकिन पांच तो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब पांच कैसे ज्ञात करेंगे, हमें तो यहां देखने पर दो ही नजर आ रहे हैं, 12 और 24, पांच के लिए तो बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तीन और चार का पहला सारव गुणज देखो हमारे पास क्या आया है, 12 है, 12 है पहला सारव गुणज आया है। तो उससे अगला क्या आएगा, 12 में 12 जोड़े 24, ये देखो 24 ही आया है। फिर 24 में 12 जोड़ेंगे 36, 36 में 12 जोड़ेंगे 48, 48 में 12 जोड़ेंगे 60, मतलब 12 के गुणज ही इन दोनों के सारव गुणज होंगे। एक सारव गुणज ज्ञात कर लो जो सबसे छोटा है दोनों संख्याओं का, बस उसी के गुणज हमें इसके सारव गुणज नजर आएंगे, नजर के आएंगे, होंगे ही। ठीक है, अब एक संख्या को और ले लेते हैं साथ में, हम 6 को ले लेते हैं। 6, अब 6 के गुणज हमें ज्ञात करने हैं, तो 6-6 के हमें अंतराल में अब दूसरी क्रोश हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब की बार ऐसे क्रोश लगाएंगे, 4 पे ऐसे लगाए थे ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमने लगा। अब यदि इसमें ध्यान से देखा जाए कि अब हमें 3 के 4 के और 6 तीनों के सारव गुणज ज्ञात करने हैं। तीनों के सारव गुणज यदि ज्ञात करना है तो पहला सारव गुणज हम ज्ञात कर लेते हैं, 3 के लिए उस पर गोल दायरा होना चाहिए, 4 के लिए ये निशान होना चाहिए, 6 के लिए ये निशान होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो किस पे है, वो भी 12 पे ही आया है, तो इन तीनों का सारव गुणज भी 12 है। और यदि मैं कहूं 3 का और 6 का सारव गुणज, पहला एक सारव गुणज ले ले, उसके बाद तो निकल ही आएंगे सारे, 3 और 6 का, 3 और 6 के लिए हम देखेंगे कि 3 पे गोला होना चाहिए और 6 पे इस तरह का निशान होना चाहिए, वो सबसे पहले किस पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। तो 3 और 6 का सारव गुणज क्या है, 6 है। अर्थात सारव गुणज दी गई संख्याओं में से जिनका हमें सारव गुणज ज्ञात करना है, कोई एक संख्या भी हो सकता है, जैसे 3 और 6 का क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। अब 3 और 6 का 6 है, और इनके ज्ञात करेंगे तो 6 के गुणज ही ज्ञात करेंगे, 6 6 6 6 6 12 6 18 6 6 24, ठीक है। तो आशा है कि ये गुणज और सारव गुणज से संबंधित प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको घर से क्या करना है कि इन संख्याओं के गुणज निकाल के और इनमें से दो दो कोई भी दो संख्या लेकर उनका सारव गुणज, 5 सारव गुणज निकाल के मेरे पास इस वीडियो के लिंक में आपने शेयर करना है, कमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं पहले कौन करेगा, 5 का 8 का 10 का और मैं ले लेता हूं 15 का, इनके गुणज याद कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। आशा है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।